हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम निकले थे रोड ट्रिप पे और पहुंच गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार से डे वन पे हम गए थे ऋषिकेश और वहां पे घूमे थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे का वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, हरिद्वार का डे टू स्टार्ट हो चुका है। प्यारी सी सुबह निकली है यहाँ पे हरिद्वार में, और अभी हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं और जा रहे हैं सीधे हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए। गाइस, हर की पौड़ी हरिद्वार में है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, और माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान शिव के कदमों की सीढ़ी। दोस्तों, हरिद्वार एक छोटी सी सिटी है और यहाँ पे ऐसे ई रिक्शा बहुत चलते हैं, तो आप आराम से जिस भी होटल आश्रम में हो ई रिक्शा पकड़ के हर की पौड़ी तक पहुँच सकते हैं। हजारों श्रद्धालु रोज ही यहाँ पवित्र स्नान करने के आते हैं। हर हर गंगे बोल के गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि गंगा में स्नान करके उनके सारे पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और बस यही नहीं, हर की पौड़ी अपनी भव्य गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन यहाँ पे होती है। इस दौरान जो पुरोहित पंडित वहाँ पे होते हैं, वो दीप जलाकर भजन कीर्तन के साथ एक गंगा आरती करते हैं। और हाँ गाइस, हर की पौड़ी पर ही आपको बहुत सारे रुकने के लिए होटल्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सारे बजट्स के होटल यहाँ अवेलेबल हैं, और आखिर यहाँ रुकने का भी एक अलग ही मजा है। हर की पौड़ी इज स्पेशली वाइब्रेंट ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक कुंभ मेला एंड कार्तिक पूर्णिमा, ड्रॉइंग डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोलिए हर हर गंगे। तो बस हर की पौड़ी के बाद वापस चल दिए हम अपने ठिकाने पे। हर की पौड़ी से ही गंगा जल भी लेकर आ गए हम। हर की पौड़ी पे आपको गंगा जी के पावन दर्शन कराए मैंने। आई टेल यू गाइस, इतना ठंडा पानी था, इतना तेज बहाव था गंगा मैया का, मगर तीन बार वहाँ पे डुबकी मार के हर हर गंगे बोल के मजा ही आ गया। तो चलिए अब आपको इस सुंदर से हरिद्वार की और भी ब्यूटीफुल सी प्लेसेस दिखाने लेके चलती हूँ मैं, जिन्हें देख के डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए। तो जी, हर की पौड़ी के बाद मैं निकल पड़ी अपने फेवरेट काम यानी कि शॉपिंग पर। गाइस, हरिद्वार में बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं, बट एक छोटा सा मार्केट आपको हर गली में मिल जाएगा, जहाँ पे वैरायटी ऑफ चीजें, हैंडमेड पर्सेस, वुलेंस, बहुत तरह के बच्चों के बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडमेड वुलेंस आपको मिल जाएंगे, इयररिंग्स, बैंगल्स, छोटी छोटी चीजें, और हाँ, स्पेशली जो पूजा का सामान है वो यहाँ आपको बेस्ट मिलेगा। आप यहाँ से पूजा का सामान जरूर खरीद के लाइएगा। और साथ ही हरिद्वार फेमस है अपने खाने के लिए। यहाँ की तरह तरह की मिठाइयाँ, फालूदा, रबड़ी, कुल्फी, उफ क्या नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। और लीजिए, मुझे तो मिल गई अपनी फेवरेट चीज यानी कि इयररिंग्स। गाइस, शॉपिंग करने के तुरंत बाद हमने लंच किया और निकल पड़े हम चंडी देवी के लिए। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, हमने ऑनलाइन टिकट से बुक कर लिए थे चंडी देवी और मनसा देवी के लिए। ये बहुत इजी ऑप्शन रहता है गाइस, आपको दोनों जगह के टिकट्स ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे, और साथ ही एक बस सर्विस भी होती है जो आपको चंडी देवी से मनसा देवी या मनसा देवी से चंडी देवी तक भी ले जा सकती है। और यदि आप अपनी कार से आए हैं तो आप ये सर्विस ऑप्ट मत कीजिए, सिर्फ आप एंट्री टिकट्स यानी कि ट्रॉली के टिकट्स बुक कर लीजिए चंडी देवी और मनसा देवी के लिए। इससे क्या होगा कि आप लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने से बच सकते हैं। मगर फिर भी गाइस, भीड़ तो थी ही, हमें वेट करना पड़ा यहाँ पे थोड़ी देर। और ये देखिए, चारों तरफ इन्होंने कुछ कुछ शॉप्स भी बना रखी हैं, बच्चों के लिए गेम्स वगैरह भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो तय है कि बच्चे बैठे बैठे बोर तो नहीं होंगे, आप इन्हें यहाँ पे इन चीजों में इंगेज कर सकते हैं। माँ चंडी देवी में आधे घंटे की वेट के बाद आ गया है हमारा नंबर, अब बैठने जा रहे हैं हम ट्रॉली में।
तो हम बैठ गए हैं माँ चंडी देवी की ट्रॉली में और बहुत ही मजा आ रहा है। थोड़ी धूप हो गई है बट ट्रॉली पूरी कवर्ड है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आंश, मम्मी जी, वाह क्या व्यू है ट्रॉली से पूरे हरिद्वार का। और ये हम पहुंच गए चंडी देवी मंदिर। गाइस, चंडी देवी मंदिर एक सिद्ध मंदिर है और बहुत मान्यता है यहाँ पे, तो आप जब भी हरिद्वार आए तो चंडी देवी माँ के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। माँ को यहाँ पे कमल का फूल जरूर चढ़ता है। और ये हम पहुंच गए भवन के अंदर जहां विराजी हैं माँ चंडी देवी। जय हो मेरी मैया। और मंदिर में लाल चुनरी बांध के अपनी मन्नत की अर्जी लगाते हैं यहाँ भक्त। मैया रानी के साथ ही और भी भगवान यहाँ पे विराजित थे। अच्छा, यहीं पे और ऊपर पहाड़ी पे हनुमान जी की माता अंजनी देवी का मंदिर भी स्थापित था और यहाँ से व्यू भी बहुत ही प्यारा आता है गाइस। अब दोनों जगह के दर्शन कर हम वापस बैठ गए ट्रॉली में नीचे जाने के लिए। अब हो चली थी शाम तो चंडी देवी के बाद हम मनसा देवी मंदिर की तरफ चल पड़े। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और बीच में होने की वजह से यहाँ रश भी चंडी देवी से कहीं ज्यादा होता है। मगर हमने तो कराई हुई थी ऑनलाइन टिकट, तो इसीलिए हमें यहाँ भीड़ भाड़ में लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। आप भी यही कीजिएगा, ऑनलाइन टिकट्स ही जरूर बुक करा लीजिएगा दोनों मंदिर की। बच्चों की भी एंट्री अकॉर्डिंग टू हाइट हो रही थी, एक पर्टिकुलर हाइट तक उनका टिकट नहीं लगना था। गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा रश है यहाँ। और यहाँ पे भी चंडी देवी की तरह बच्चों के लिए मिकी माउस और गेम हाउस ये सारी चीजें बनाई हुई थी। तो फाइनली गाइस पूरे 1.5 घंटे की वेटिंग के बाद अब हमारा नंबर आया है ट्रॉली में जाने का। अब हम ट्रॉली में बैठने जा रहे हैं। और ये देखिए रोपवे में बैठने से पहले यहाँ पे फुल फैमिली फोटोग्राफ का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। पीछे ग्रीन कर्टन लगाया हुआ है और ये फोटो आप ऊपर जाके ले सकते हैं और इसके साथ में बैकग्राउंड में कोई भी आप अपना सीन चूज कर सकते हैं। बट हाँ, ये फोटो फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा इसका चार्ज। एंड ये यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे जो रोपवे में बैठते वक्त आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक ट्रॉली में सिर्फ 4 जने ही जा सकते हैं। ट्रॉली में बैठ चुके हैं, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से। गंगा जी इतने ऊपर से देखने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्या सीन लग रहा है। और ये हम पहुंच गए। मंदिर के बाहर ही ढेर सारी प्रसाद और चुनरी भगवान के सामान की आपको शॉप्स मिल जाएंगी, यहीं से आप चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। और ये देखिए पूरे हरिद्वार का सुंदर सा व्यू मंदिर से। और ये हम पहुंच गए माँ मनसा देवी के ठीक सामने। यहाँ भी चंडी देवी मंदिर के जैसे ही और भी सारे भगवानों की मूर्तियां स्थापित थी। मनसा देवी माँ के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। कैसे दर्शन हुए मम्मी जी? कैसे? बहुत बढ़िया। जय माता, जय माता जी। और भाई, दर्शन करने के बाद वापस हम बैठने जा रहे थे ट्रॉली में, बट अगेन वो ही लंबी लंबी लाइनें और लंबा सा वेट। ये देखिए गाइस नाइट व्यू पूरे हरिद्वार का।
कहते हैं जब भी माता के मंदिर जाओ तो वहाँ से चूड़ियाँ और सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। तो चंडी देवी माँ के मंदिर से हमने सिंदूर ले लिया था, तो मनसा देवी मंदिर से मैं ले रही थी चूड़ियाँ। गाइज, जब भी आप हरिद्वार आओगे ना, तो यहाँ से पूजा का सामान लेने का ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर सी आर्टिस्टिक चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी अपने घर के मंदिर के लिए। मन नहीं माना और हरिद्वार से जाने से पहले हम एक बार फिर से आ गए सुबह सुबह गंगा मैया के पास बैठने। देखिए कितना प्यारा सा समा हो रहा है और गंगा मैया कल कल करके बह रही है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तैयार हरिद्वार से वापस जाने के लिए, तो मैंने आप अपना काम कर दिया है, आपको बता दिए हरिद्वार की वो सारी बेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप एक दिन में या दो दिन में आराम से घूम सकते हैं। तो आइए इस होली सिटी हरिद्वार में और एंजॉय कीजिए अपना वेकेशन। नेक्स्ट टाइम जब हो छुट्टियां तो बस बोरिया बिस्तरा उठाइए और चल पड़िए हरिद्वार की तरफ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके यूजफुल लगा होगा। पसंद आया ना, तो फटाफट से जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।